बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा कोहे तूर पर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होकर कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू अपने बंदों से क्या चाहता है? जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये पूछा, गैब से आवाज़ आई, ऐ मूसा, तुम्हारा खुदा अपने बंदों से सिर्फ एक चीज़ चाहता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे खालिक के हकीकी, कौन सी चीज़? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं सिर्फ मोहब्बत अमन चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इंसान इस ज़मीन पर मोहब्बत का दर्स फैलाता रहे, उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जिससे हर किसी को अमन और सलामती मुयस्सर हो, ताकि मैं उसे इससे हज़ार गुना बेहतर दुनिया अता कर सकूँ। ऐ मूसा, याद रखना, जो मेरा बंदा इंसानों में मोहब्बत, सलामती और इखलाक का बीज बोता है, मेरे नज़दीक वो जाहिद, आबिद और मुत्तकी से हज़ार गुना बेहतर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ अल्लाह, तेरे बंदे ऐसा क्या करें कि वो तेरे करीब हो जाएं? अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस दिल में मेरी खलकत के लिए जितनी मोहब्बत होगी, वो इंसान उतना ही मेरे करीब होता जाएगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपकी मोहब्बत आपकी मखलूक के दिल में पैदा हो जाए? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, मेरी दी हुई नेमतों का मेरे बंदों के सामने ज़िक्र करो। जब लोग मेरी दी हुई नेमतों पर गौर व फिक्र करेंगे, तो उनके दिल में मेरी और मेरी मखलूक की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। दोस्तों, हमें अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। हमें दुनिया में तमाम लोगों के साथ भलाई का मामला करना चाहिए, जिससे हमारी दुनिया अच्छी और हमें आखिरत में अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाज दे, इंशाल्लाह।